बिजली सार्फीन को एक और जोरदार झटका। सार्फीन पर 3 रुपए 23 पैसे फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। इतलाक आइंदा माली साल से होगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक घरेलू सनती कमर्शियल और जरिए सार्फीन पर होगा। इजाफी सरचार्ज का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फीन पर भी होगा। नेप्रा ने बिजली सार्फीन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। नेप्रा ने हुकूमती दरखास्त पर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फीन के लिए बड़ी खबर, ओग्रा ने एलपीजी की कीमत में 49 रुपए किलो कमी कर दी। नई कीमत 229 रुपए किलो होगी। नोटिफिकेशन जारी, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 और कमर्शियल सिलेंडर में 2214 रुपए कमी हो गई। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। अब कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथ ही हक पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट आयन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेगी। मारूफ हिदायतकार सैयद नूर की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। जमहूरियत की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका का इजहार अफसोस। महकमे खारजा के नायब तर्जमान वेद्यान पटेल कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने पर अफसोस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अदम शिरकत का फैसला अमरीका के ताल्लुकात जारी रखने की ख्वाहिशात मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हकूक, मजहबी आज़ादी पर राबते जारी रहेंगे। पाकिस्तान सिक्योरिटी मामलों पर अमरीका का अहम शराकत दार है। लाहौर में ईद तक बेकरियों को रात 1 बजे तक काम की इजाजत। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग से तदारुक के लिए दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत को माहौलियाती सफीर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में जगह जगह अंडरपास बनाने पर बरहमी का इजहार किया, कहा जहां दिल करता है अंडरपास बना देते हैं, अगर सड़कों की रिमॉडलिंग हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाए। ट्रैफिक पुलिस को मजीद इख्तियारात देने की जरूरत है, लोग ट्रैफिक अहलकारों को कुछ समझते ही नहीं। आसपी ने हज के लिए अच्छी खबर, रेगुलर हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में 2 अप्रैल तक तौसी। तर्जमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरख्वास्तें 9 अप्रैल तक जमा कराई जा सकेंगी। नामजद बैंक हफ्ता और इतवार को हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। बादलों ने झड़ी लगा दी, बलोचिस्तान और पंजाब में खूब बारिश। गवादर कला अब्दुल्ला जोक में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद चांबहक। चमन में सैलाबी रेला 4 अफराद को बहा ले गया। बोलान नदी में भी शदीद तुगयानी, पिंजरा पुल के मुकाम पर आरसी रास्ता सैलाबी रेले के साथ बह गया, ट्रैफिक मुअत्तल। ईरानी सरहद पर शदीद बारिशों के बायस ईरानी तेल भरदार गाड़ियां नदी में बह गईं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिश्तियां, बहावल नगर, भक्कर, चीचावतनी में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके से रियाव बिजली की फराहमी में मुतासर। चूनिया में बारिश के बायस मकान की दीवार गिर गई, 1 शख्स जांबहक। हालिया बारिशों से गंदम और चारे की फसल मुतासर।